मैं बेवकूफ होऊंगा अगर मैं कहूं कि इंडिया की टीम अच्छी नहीं है। इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। कारगिल के मास्टरमाइंड पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ की मौत हो गई है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले की गुमनामी में मौत हो गई है। मुशर्रफ लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दुबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने 79 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुशर्रफ अमाइलोडोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक नज़र जनरल से असैनिक राष्ट्रपति बनने के सफर पर। 11 अगस्त 1943 में परवेज मुशर्रफ का जन्म दरियागंज नई दिल्ली में हुआ। 1947 में उनके परिवार ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। विभाजन के कुछ ही दिन बाद उनका पूरा परिवार पाकिस्तान पहुंच गया। उनके पिता सईद ने एक नए पाकिस्तान सरकार के लिए काम करना शुरू कर दिया और विदेश मंत्रालय के साथ जुड़ गए। इसके बाद उनके पिता का तबादला पाकिस्तान से तुर्की हो गया। 1949 में वो तुर्की चले गए। कुछ समय बाद अपने पूरे परिवार के साथ वो तुर्की में रहने लगे। उन्होंने तुर्की भाषा भी बोलनी वहीं सीखी थी। मुशर्रफ अपने युवा काल में खिलाड़ी भी रहे हैं। 1957 में उनका पूरा परिवार फिर से पाकिस्तान लौट आया। उनकी स्कूली शिक्षा कराची में सेंट पब्लिक स्कूल में हुई और कॉलेज की पढ़ाई लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से हुई। जनरल का सफर। 1961 में मुशर्रफ सेना में शामिल हुए। वो एक शानदार खिलाड़ी भी रहे हैं। 1965 में उन्होंने अपने जीवन का पहला युद्ध भारत के खिलाफ लड़ा था और इसके लिए उन्हें वीरता का पुरस्कार भी दिया गया था। 1971 में भारत के साथ दूसरे युद्ध में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा था। जनरल से कैसे बने राष्ट्रपति ये भी जान लेते हैं। अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ को जनरल का ओहदा मिला और वो सैन्य प्रमुख बन गए। 1999 में उन्होंने बिना खून बहाए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से हटा दिया और सत्ता हासिल कर ली। फिर साल 2002 में बकायदा आम चुनावों में वो बहुमत से जीत गए। हालांकि आलोचकों का कहना था कि चुनाव में धांधली करके मुशर्रफ ने जीत हासिल की है। मुशर्रफ को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का भरपूर समर्थन मिला हुआ था और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के कारण ही नेटो सेना के संगठन में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बना। मुशर्रफ के समर्थकों ने हमेशा ही उन्हें एक सशक्त और सफल नेता के रूप में पेश किया जिन्होंने पाकिस्तान को कट्टरपंथ से उदार पाकिस्तान की छवि दी। लेकिन उन्हीं के शासन में लाल मस्जिद पर जुलाई 2007 में हुई सैन्य कार्रवाई में 105 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 6 अक्टूबर 2007 को वो फिर एक बार राष्ट्रपति चुनाव जीते, लेकिन इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को चर्चा की और 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आपातकाल लागू कर दिया। 24 नवंबर को पाकिस्तान चुनाव आयोग ने मुशर्रफ के राष्ट्रपति के तौर पर री इलेक्ट होने की पुष्टि की और जनरल मुशर्रफ ने सैनिक वर्दी त्याग दी और पाकिस्तान के असैनिक राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला। 7 अगस्त 2008 के दिन पाकिस्तान की नई गठबंधन वाली सरकार ने परवेज मुशर्रफ पर महाभियोग चलाने का फैसला किया। ठीक उनके 65वें जन्मदिन यानी कि 11 अगस्त 2008 को संसद ने उन पर महायोग की कार्रवाई शुरू भी कर दी। इस्तीफे की घोषणा। पंजाब बलूचिस्तान सहित 4 प्रांतीय संसदों ने बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया कि या तो मुशर्रफ जाएं या महाभियोग का सामना करें। परवेज मुशर्रफ पर इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 18 अगस्त 2008 को मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। परवेज मुशर्रफ की आत्मकथा है जिसका नाम है इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोयर। ये साल 2006 में प्रकाशित हुई। किताब अपने पब्लिश होने से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर चुकी थी। इस किताब में लोकप्रिय होने के कई कारण हैं। मुशर्रफ ने इस किताब में कई विवादास्पद बातें भी कही हैं। इसमें कारगिल संघर्ष और पाकिस्तान में हुए सैन्य तख्तापलट जैसी अन्य अहम घटनाओं का जिक्र है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।